मेरा 1989 नौवे महीने की 4 तारीख को दोपहर के टाइम तो जन्म होया था, 12 से 2 के बीच में। गांव मन आप तो बता ही दिया, लडराउन गांव है। मेरी जब 7 साल की उम्र थी उस टाइम मेरी माँ का देहांत हो गया था। मारा नया मकान बनन लग रहा था, मेरा दादा पहले फौज में था, फौज में हरियाणा पुलिस में लग गया था। और जो मकान बना था उस मकान में मेरी माता जी की जो मृत्यु हुई थी वह रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण हुई थी, जो ऊपर से गिर गई थी। और जब मेरी माता जी की रीढ़ की हड्डी टूटी वो सारा का सारा मंजर में अपनी आंखें देखने लग रहा था। छोटा हा बालक वहां खड़े थे उस टाइम पर, वहीं पे मेरा भाई मेरे तो लगभग 3 साल छोटा, मेरा भाई सोन लग रहा था। आज भी मेरा न्यू याद है, 10वें महीने की 2 तारीख एतवार का दिन सुबह 6 का टाइम मेरी माँ चाह की डेगची चढ़ा रही थी, चाह बनाने लग रही थी जिस वक्त यो हादसा होया था। और मैं अपनी छोटी पा टेक के यो सारा मंजर सब कुछ देखने लग रहा था। जब मेरी माँ पड़ी रीढ़ की हड्डी टूटी, मेरी माँ ने बोल हो गई थी, मैंने जाकर मेरी माँ का हाथ लगाया, मेरी माँ के पैर पकड़ के हाथ पकड़ के खींचने की ठाण की कोशिश करी। मेरे तो हिली कोई ना, मैं बहुत छोटा बच्चा था। मैं मेरे काकी हर ने मेरे काका ने बुला के लाया दूसरे घर तक, जो दूसरा काका है दूसरे दादा वाला, उन नाक उठाई, उन नाक उठाई। मैं अपने कान तो डॉक्टर की बात सुनो था, गांव का जो देसी डॉक्टर यार था उन्हें कहने लग रहा था, बच्चा कोई ना इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई कि तब बड़ी अस्पताल में ले जाओ। उसने उड़े थे ओमनी गाड़ी में सफदरजंग लेकर गए थे, और सफदरजंग अस्पताल के मां बाहर मेरी माँ 1 हफ्ते तक तड़पती रही, बेड को नहीं मिला, बेड खाली नहीं था। सीधी सी बात यह है उस टाइम पर सिफारिश ना थी, चार आदमी जाने ना करते और पैसा नहीं था। बाबू उस हादसे को सहन नहीं कर पाया, मानसिक रोगी हो गया, पूरा परिवार उजड़ गया। सन 2000 में 6ठी क्लास में होया था मैं, आज भी मेरे को याद है 12 रुपये सरकारी स्कूल की फीस होया करती, दी नहीं जाया करती, रोया करते बैठ के। मास्टर उड़े तो नहीं होता दिया रहते, जाओ रे फीस ले आओ, 1 तारीख तो 10 तारीख के बीच में फीस जमा करने का टाइम होया करता। घर आकर न्यू सोचा रहते कह वहां किस्त है, ना मानस दिखा करता ना को औरत, किसी के घर के बाहर उस टाइम पर अगर हम हाथ कच्चे थे ये बाबू पागल हो रहा है उस वो के कर सकता है, के बना सकता है। मैं रोटी बनाया करता उस टाइम पर, मेरा भाई मेरे तक अभी छोटा था। किसी के घर के बाहर चले जाते ना, कदे चून में बत्ती पानी पड़ जाता वो गलगला हो जाता, कदे वो चून करड़ा हो जाता, कच्ची पक्की चीज बनाया करती बन जाया करती उसी ना खा लिया करते। जब किसी के घर के बाहर लासी लेने जाते, चटनी लेने जाते, अचार लेने जाते, ताने मारे हारते, रांड के सांड हैं जिन आदमियों का कोई भविष्य नहीं, के करना है इनका, रोज आले ही डोलू न ठाके, धमका दिया करते। नादान थे क्या ना था, ना न्यूबेरा था, बेजती हो थरी बेजती करे हैं, अगले दिन फिर पहुंच जाते, एक ना देता दूसरे के चले जाते, दूसरा ना देता तीसरे के चले जाते, पड़ोस में गन्यू आ डरते। वो माड़ा टाइम जो था उस माड़े टाइम ने एक बात सिखा दी, इज्जत पैसे की है, आपके पास पैसा है ना तो आपका सब कुछ है। उस टाइम पर मैंने एक चीज देखी, भगवान हर घर में कोई ना कोई औरत जरूर दे, चाहे वो बेटी के रूप में हो चाहे माँ के रूप में हो, ये मारा माँ भी नहीं मारा बेटी भी नहीं, कोई सी भी चीज नहीं। इस समय से गुजरते गुजरते जब मैं 14 साल का होया उस टाइम पर मेरे पापा की हालत भी ठीक हो गई थी, रोहतक सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था। जब ठीक हालत होने के बाद मजदूरी करने लगे, 75 रुपये मन मिले लटराउन गांव तक, कतबगढ़ गांव पे मन एक पोस्ट भी गेरी थी, एक मिक्सर प्लांट था उसमें रोडी डस्ट के ट्रक खाली कर यार थे, 300 रुपये में ट्रक खाली हो यार था। वो 300 रुपया में क्यों यार था, 2 आदमी खाली करते तो दोनों 150-150 मिलते, मेरे बाबू ने 150 मिल यार थे, मन 75 मिल यार थे। मैं खाली गल करवा था पर मैंने 75 इस मारे मिलते, मैं आधी उम्र का था, कम उम्र का था, काम में बराबर का कर यार था, मन दिहाड़ी आधी मिल यार थी। वे ट्रक खाली करके सुबह 4 बजे उठ कर प्लांट में जाते, 3:30 से 4 के बीच में ट्रक खाली करके 7 बजे उल्टे घर आते, घर के आगे रोटी बनाता, रोटी बनाकर स्कूल में पढ़ने जाता, स्कूल में पढ़ कर वापिस आकर उस टाइम पर भूत सवार था क्रिकेट का, क्रिकेट खेलन दिल्ली आई जी स्टेडियम में जाता, इंदिरा गांधी स्टेडियम में 2 साल में हरियाणा की टीम में भी खेल। एक गांव है हरीता हिसार के पास में,
नाम थोड़ा और इन प्रेन हो सके है, क्यों मदद ज्यादा कर रहा कि याद नहीं रहती कई बार उड़े शायद एक कोई पंच साल था ऐसा नाम था 97 किलो का छोरा 27 किलो का रह रहा था, इतनी सातली थी इतनी बीमारी तो चकना चूर मेरे द्वारा मदद आएगी आग भाई फलाना फलाना काम है। मैं बोलिया ठीक है भाई कोई बात कोई ना, फोटो भेज दियो मकान, बोला मकान सरकारी योजना था सरकार की दोबारा मिल रहा बीपीएल वाला। मैं बोला फिर तो वाक्य में गरीब है, चले गए उसके हालात देखे, मन लाइव आना शुरू कर लाइव आगे मैंने बात बताई तुटे खड़े हो गए तो इसे आदमी तमाशा देखा गाम की हालत है बेरा ला क्या गाम में घर गया सरकारी नौकरी। मैं बोला यार सक्षम गाम फिर भी इतने पीछे क्यों कर, उड़े चले गए तो मैंने जो बातें कही ना वो फोन पर सबसे पहले मैंने अपनी जेब में गए शायद 5100 रुपये काट के दिए, फिर मेरी गले 2-3 भाई और थे 11-21 सुनने दिए, यानी कि हमने अपनी तरफ तो मेरे याद नहीं है 12-13-14 हज़ार रुपये इकट्ठे करके दे दिए, रुपये ऊपर नीचे हो सके हैं भाई उस तक इकट्ठे करके दे दिए ना। वह वीडियो सुनकर सबकी आंख खुल गई, उड़े मौके पर 50-60 हज़ार रुपये इकट्ठे हो गए सारे दौरे थे। मैं बोला भले मान सौ 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर तो मनाने की जरूरत हो कम पहले नहीं कर लेते, अगले दिन उगामा पंचायत होगी 2.5 लाख रुपये इकट्ठे करने थे उसके इलाज थी, अगले दिन गांव में पंचायत हो गए नहीं बोले अरे इतनी दूर तक एक छोरा मदद करके हम नहीं कर सकते सारे गांव ने, मैं उस गांव का धन्यवाद करूं आज। अगले दिन उस सारा खर्चा उस गांव ने उठा उस छोरे का खर्चा कराया सारा, तो ये सोचने की बात है मन ने उड़े जाकर के कर दिया को आशीर्वाद थोड़ी दिया मैं को बाबा थोड़ी हूं, उन तरीका मेरा पाट गया कि भाई मदद न्यू भी हो सके क्योंकि हमारे मानस आज भी साधे बोले दे आती आदमी उनने ज्ञान को न्या होता, पहले हमारे बड़े बुजुर्ग की तो स्कूल बनाना होता की तो प्याऊ बनानी होती अस्पताल बनाना होता, एक एक रुपया एक एक ईट इकट्ठी करने की मुहिम ही चलाया करते, और जिसका जिसका जुगाड़ हो सा उसा देख है कोई नेता मंत्री कुछ नहीं बनवाते अपने दौरे तो बनवाते सारे काम वो टाइम लेना चाहवा सा हमें, हमने किसी की जरूरत ना पड़े, एक गरीब आदमी की गरीब बेटी की पढ़ाई फ्री हो जाए, गरीब आदमी की छोरा हो चाहे छोरी एक गरीब बेटी का ब्याह फ्री हो जाए, खाने के दाने सब कर ले हैं किसी ने धक्के खाने की जरूरत ना पड़े किसी नेता के बारे। आपका कहने का मतलब है आप नूचा हो मानस का मानस काम आवे, मानस का मानस काम आओ हमारा समाज यो है था जिन जातिया आप बट रहे हो जिन उन जातिया हम प्यार कितना करे यार।